नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक्सोनोजी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डीएमएलटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा हेमेटोलॉजी में चल रहा था, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पीबीएफ। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मैंने कम्प्लीट करा दिया था। पार्ट फर्स्ट केवल और केवल पीबीएफ बनाने को लेकर है। ठीक है, यानी कि प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पीबीएफ का पार्ट फर्स्ट कम्प्लीट हो चुका था। अब ये है पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकंड जो है काफी छोटा सा पार्ट है। ठीक है, यानी कि इसमें ज्यादा कुछ चीज पूछनी जाती है। इसमें आता है केवल स्टेनिंग प्रोसेस आता है। अब स्टेनिंग प्रोसीजर है, वैसे देखे तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, यानी कि बहुत लंबा छोटा प्रोसीजर है। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, स्टेन का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है बहुत लंबा छोटा प्रोसीजर है, लेकिन आपके कोर्स में केवल एक स्टेनिंग दे रखा है। वैसे तो और भी स्टेन है, लेकिन शुरुआत हम एक स्टेन से करेंगे। आपके कोर्स में जो स्टेन दे रखा है वो लीस्मा स्टेन। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेनिंग क्या होती है। स्टेनिंग, मैं यहाँ ब्लैक कलर के मार्क से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। स्टेनिंग का मतलब होता है रंगना। ठीक है, अब यानी कि स्लाइड को रंगना। ठीक है, स्टेनिंग का मतलब होता है रंगना। अब इसको दो पार्टों में हम कवर करेंगे, यानी कि इसको दो पार्टों में आप तोड़ दो। स्टेनिंग को दो पार्टों में तोड़ दो। सबसे पहले स्टेन यानी कि रंग, ठीक है, कलर आईएनजी लगा के यानी कि रंगना, इसका कार्य कौन कर रहे हैं, स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग मतलब स्लाइड को रंगना। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि जो पीबीएफ कैसे बनती है उसके बारे में। ठीक है, अब हमने स्मियर बना ली, अब उसको स्टेन कैसे करेंगे। सबसे पहले जब पीबीएफ बन जाए, हमारी स्मियर पूरी तरह से बन जाए, उसके बाद उसको 2 या 3 मिनट के लिए सूखने के लिए रखना है, यानी कि ड्राई होने के लिए रखना है। सूखने के लिए सीधा ही फ्लेम पर न डाले, उसको 2 या 3 मिनट के लिए एक खुले स्थान पर छोड़ दे, वो ड्राई होता रहेगा। ठीक है, अब हमारी जो स्लाइड है पीबीएफ की, स्मियर की जो स्लाइड है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। ड्राई होने के बाद अब उसको स्टेन कैसे करते हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, स्मियर बनने के बाद स्टेन करते समय 2 मिनट का जो ड्राई प्रोसेस होता है ना वो होना चाहिए, यानी कि स्मियर बनने के बाद उसको 2 मिनट के लिए खुला छोड़ दे, अब उस स्लाइड को ड्राई होने दे। ठीक है, ड्राई होने के बाद ठीक है उसको स्टेन करते हैं। अब स्टेन करते हैं ना, ये मेथड मैं आपको बताऊंगा। स्टेन करने के बाद दोस्तों जो स्टेन स्लाइड होती है ना, स्टेन स्लाइड को क्या फायदा है। दोस्तों स्लाइड को स्टेन करने का पहला फायदा यह है कि यदि स्लाइड स्टेन है तो बहुत दिनों तक उसको रखा जा सकता है, यानी कि बहुत दिनों तक भी वो खराब नहीं होती है। ठीक है, पहला फायदा ये हो गया। उसके बाद स्लाइड स्टेन करने के बाद स्मियर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाती है, यानी कि स्लाइड स्टेन करने के बाद जो स्मियर होती है ना वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है। जितनी भी सेल्स होती है वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है, वो खराब भी नहीं होती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो उसमें ग्रेनुलर्स दाने दाने भी नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है, बहुत लंबा छोटा प्रोसीजर नहीं है, बहुत छोटा प्रोसीजर इसका, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके कोर्स में केवल अभी तक तो लीस्मान है, आगे जो भी स्टेन आएगा वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, लीस्मान स्टेन का यूज करते हैं। लीस्मान एक साइंटिस्ट का नाम है और स्टेन का मतलब रंगना, तो लीस्मान स्टेन का यूज करते हैं। अब ये दोस्तों स्टेन जो है वो कंपनी का बना बनाया भी आता है। अब इसको लैब में भी रेडी कैसे करते हैं, लैब में रेडी करते हैं एक पाउडर का नाम आता है लीस्मान पाउडर। ठीक है, लीस्मान पाउडर लेंगे हम 0.15 ग्राम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एसीटोन रहित मिथाइल अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल लेंगे हम 133 ml। ठीक है, पाउडर को बारीक पीसने के बाद एक बोतल में रख दिया जाता है और अल्कोहल मिला दी जाती है उसके बाद, और पाउडर और अल्कोहल को शेक करके एक गहरी कलर की बोतल में भर दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये बात आप याद रखना, जब स्टेनिंग प्रोसेस पूछी जाए स्टेनिंग क्या होती है, लीस्मान स्टेन आए ना, तो ये सब मेथड आपको लिखना है। साथ में ये भी लिखना है कि स्टेन जितना पुराना होगा स्लाइड उतनी ही अच्छी स्टेन होगी। ठीक है, स्टेन जितना पुराना होगा स्लाइड उतनी ही अच्छी स्टेन होगी। ठीक है, उसके बाद पाउडर में अल्कोहल मिलाकर उसे एक बोतल में रख दिया जाता है। जब हम काम में ले स्टेन को तो उसको छान कर काम में लेना चाहिए। ठीक है, ताकि जो मोटे मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ग्रेनुलर्स होते हैं, वो यूज में नहीं आए। ठीक है, तो हमारा स्टेन बनाने का प्रोसीजर भी कंप्लीट हुआ। अब है मेथड इसका, यानी कि हाउ टू स्टेन, स्लाइड को स्टेन कैसे करते हैं, स्टेनिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, यानी कि मेन सीधा सा फंडा यह है कि स्लाइड को स्मियर बनने के बाद, यानी कि पीबीएफ बनने के बाद, उसे 2 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। ड्राई होने के बाद अगला जो प्रोसीजर आता है वो है स्टेन। स्टेन करने के बाद स्लाइड को लंबे समय तक के लिए रख दिया जाता है, कोई खराब नहीं होती है। स्टेन करने के बाद स्लाइड खराब नहीं होती है, और स्टेन करने से पहले यदि इसको स्टेन नहीं करते हैं तो स्लाइड बिल्कुल खराब हो जाती है। खराब होने का मतलब यह है कि इसमें जो सेल्स वगैरह है बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये है मेथड इसका। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेनिंग रैक का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, लैब में जो काम करते हैं या जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको पता होगा कि स्टेनिंग रैक क्या होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी स्टेनिंग रैक होती है। ठीक है, स्टेनिंग रैक
ध्यान रखें दोस्तों, स्टेनिंग रैक का जो बैलेंस है वो पर्याप्त मात्रा में हो, यानी कि बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, हिल डुल नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बैलेंस भी लगा हुआ होना चाहिए स्टेनिंग रैक में। उसके बाद हमारी स्लाइड स्मियर बनने के बाद उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद एक पेंसिल आती है जिसे हम बोलते हैं डायमंड पेंसिल या लैब पेंसिल, उस पेंसिल से उस स्लाइड पर पेशेंट का नेम, एज, सेक्स लिख दे, ठीक है। उसके बाद स्लाइड को रख दे स्टेनिंग रैक पर। स्टेनिंग रैक पर रखने के बाद स्लाइड को, जैसे ये हमारा स्मियर है, ठीक है, टन शेप में होती है ना स्मियर, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये स्लाइड के ऊपर हमारी स्मियर बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लीफ। अब क्या क्या चीजें यूज में आती है स्टेनिंग करने के लिए, सबसे पहला जो हमने लीफमान स्टेन बनाया था ना वो यूज में आता है, लीफमान स्टेन। उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारी स्मियर है, स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर सबसे पहले हम घेरते हैं लीफमान। ये हमारी फिल्म है, लीफमान स्टेन कितना घेरे, जब तक ये पूरी फिल्म ढकने जाए ना, लीफमान स्टेन से पूरी फिल्म कवर ना हो जाए, तब तक हम लीफमान स्टेन घेरते हैं। और जितनी ड्रॉप घेरे, याद रखें ड्रॉपर की सहायता से लीफमान स्टेन घेरे, और तब तक घेरे जब तक पूरी जो स्लाइड है लीफमान स्टेन से ढकने जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कितनी ड्रॉप घेरी है वो भी लिख लें, जैसे हमने 12 ड्रॉप घेरी है, यानी कि 12 के 12 ड्रॉप में स्लैड को पूरी तरह से कवर कर दिया है, ठीक है। कवर करने के बाद टाइम नोट कर लिया 2 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको एज इट इज रखना है। 2 मिनट होने के बाद, अब दोस्तों 2 मिनट होने के बाद अगले जो सोल्यूशन काम में आता है, सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, उसे बोलते हैं बफर या डिस्टिल वाटर, ठीक है। बफर का यूज ले सकते हैं हम या डिस्टिल वाटर का। अब डिस्टिल वाटर और बफर कैसे डालना है, 2 मिनट तक हमने इसके ऊपर डाला लीफमान स्टेन, ठीक है, यानी कि लीफमान स्टेन डाला और पूरी तरह से कवर कर दिया, 2 मिनट का हमने लगा दिया टाइम, ठीक है। उसके बाद यानी कि स्टेन के ऊपर अब हम डालेंगे दूसरी चीज का, डालेंगे बफर। कितना डालना है बफर या डिस्टिल वाटर, जितना हमने लीफमान स्टेन डाला था, 12 ड्रॉप हमने डाली थी लीफमान स्टेन की, तो इसके ऊपर ही 12 ड्रॉप डालना है हमको बफर। ये हमने दोस्तों बफर की भी ऐड कर दी, ठीक है, ये पूरी तरह से कवर हो चुकी है। ऐड करने के बाद अब हमको टाइम लगाना है 9 मिनट का, ठीक है, 9 मिनट का टाइम लगा दिया। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, हमको ड्रॉपर की सहायता से इसको शेक करना है, यानी कि जो सेल्स होती है वो पूरी तरह से स्टेन हो जाए, तो ड्रॉपर की सहायता से अब इसको शेक करना है। शेक क्यों करते हैं, ताकि जो सेल्स होती है वो पूरी तरह से स्टेन हो जाए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लीशमान घेरा, लीशमान घेरने के बाद बफर घेरा, बफर घेरने के बाद हमको ड्रूपर की सहायता से शेक करना है, केवल 2 या 3 बार इसको शेक करना है फ्लैट को। शेक करने के बाद 9 मिनट का टाइम लगा लिया, तो 9 और 2 11, टोटल 11 मिनट में आपकी फ्लैट जो है वो स्टेन हो जाती है। स्टेन होने के बाद इसका अगला प्रोसीजर क्या आता है, पहला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, दूसरा प्रोसीजर क्या आता है, इसको वॉश करना। अब वॉश कैसे करते हैं, ठीक है, टैप वाटर यानी कि नल का बहते पानी में आप वॉश करें, ठीक है, टैप वाटर में आप वॉश करें स्लाइड को, ठीक है। स्लाइड को वॉश करने के बाद इतनी देर तक वॉश करें जो स्लाइड का जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाए, यानी कि हल्का पिंक कलर का हो जाए, ठीक है, हल्का पिंक कलर का हो जाए, ठीक है। स्लाइड को स्टेन होने के बाद यानी कि 11 मिनट के बाद 2 मिनट हमने 2 मिनट हमने घेरा लीफमान स्टेन, 9 मिनट बफर घेरा, बफर घेरने के बाद टोटल हो गया 11 मिनट। 11 मिनट बाद स्लाइड को टैप वाटर में वॉश कर, वॉश कितनी देर तक करना है, वॉश इतनी देर तक करना है कि जो स्लाइड का जो कलर है वो हल्का पिंक यानी कि लाइट पिंक हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों लाइट पिंक होने के बाद उसको, जैसे हमारी स्लाइड है, ठीक है, जैसे हमारी स्लाइड है, स्लाइड जैसे यहां पर हो गई स्टेन, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा हो गया लाइट पिंक कलर। अब पीछे से इसको वॉश, पीछे से इसको टिश्यू पेपर से साफ कर देना है, ठीक है, पीछे से टिश्यू पेपर के साफ करने के बाद इसको ड्राई कर देना है। ड्राई करने का प्रोसेस वही 2 या 3 मिनट का इसको टाइम देना है ड्राई करने के लिए। अब हमारी जो स्लाइड है वो माइक्रोस्कोप में टेस्ट करने के लिए होगी रेडी, यानी कि अब हमारी स्लाइड स्टेन होगी, ठीक है। तो बहुत छोटा सा मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा, ये है लीफमान स्टेन से कैसे स्टेन करते हैं। दोस्तों लेबोरेटरी में जो स्टेन होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में अभी तक केवल और केवल लीफमान स्टेन का बताया गया है। तो लीफमान स्टेन से स्लाइड को स्टेन कैसे करते हैं वो मैंने आपको पूरा पूरा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। आगे और भी स्टेन आएंगे, जैसे जिम्सा स्टेन, फील्ड स्टेन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लीफमान स्टेन से स्टेन कैसे करते हैं स्लाइड को, आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका जो अगला प्रोसीजर आता है, थर्ड स्टेप जो आता है वो है, अब देखते कैसे है। माइक्रोस्कोप का नाम सुना है आपने, माइक्रोस्कोप में
लेंस आता है 100x, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑयल इमर्सन लेंस, ठीक है, ऑयल इमर्सन लेंस। इसमें उस स्टेन हुई स्लाइड का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, आपने एक ऑयल का नाम सुना होगा, सिडार ऑयल, ठीक है, सिडार ऑयल, यह है ऑयल का नाम, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी स्लाइड हो गई स्टेन, स्टेन होने के बाद सूख भी गई, यानी कि ड्राई हो गई, ड्राई होने के बाद, ठीक है, हमारी स्लाइड स्टेन हो गई, स्टेन होने के बाद हो गई ड्राई, ड्राई होने के बाद आप इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं 100x वाले लेंस में, ठीक है। आपने ऑयल का नाम सुना होगा सिडार ऑयल, सिडार ऑयल की एक ड्रॉप स्लाइड के आगे वाले हिस्से पर डालते हैं और बाकी आगे पता है आपको एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिकली माइक्रोस्कोप में 100x वाले लेंस में एग्जामिनेशन करना चाहिए ऑयल इमर्सन वाले लेंस में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे तीन स्टेप में मैंने आपको स्टेनिंग मेथड बताया, पहला स्टेनिंग रैक में रखकर स्लाइड को बैलेंस रखना है, बैलेंस रखने के बाद सबसे पहले लीसमान जो स्टेन है वो हमको घेरना है, घेरने के बाद, ठीक है, 2 मिनट का इसको टाइम देना है, ठीक है, 2 मिनट के बाद उसके बाद बफर डालना है या फिर डिस्टिल वाटर भी आप डाल सकते हैं, उसके बाद शेक करना है, शेक करने के बाद 9 मिनट का टाइम लगाना है, टोटल 11 मिनट हो गए, 11 मिनट के बाद इसको टैप वाटर से वॉश करना है, वॉश कर क्यों करना है, ताकि स्लाइड का जो ज़्यादा कलर नहीं हो, ज़्यादा स्टेन नहीं हो, वॉश करना है। वॉश करने के लिए जैसे मैं आपको बताया था प्रोसीजर वही रहना चाहिए, और इतनी देर तक वॉश करना है जो स्लाइड का जो कलर है ना वो हल्का पिंक हो जाए। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप टैप वाटर से वॉश करना है, हल्का पिंक कलर हो जाए, ठीक है। तीसरा स्टेप 100x ऑयल इमर्सन में इसको देखना है माइक्रोस्कोप से, इसकी टेस्टिंग करनी है, और सिडार ऑयल जो आता है ना वो इसके ऊपर रखना है और हमको एग्जामिनेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो तीन स्टेप में हमने स्टेनिंग प्रोसेस समझ ली। अब आपको समझ में नहीं आई हो तो इसका आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं इसकी प्रैक्टिकल वाली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों स्टेनिंग के बाद हमको माइक्रोस्कोप में जो एग्जामिनेशन करते हैं 100x लेंस पर, तो अब हमको क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी कलर की दिखती है, या फिर आप यूँ बोले कौन कौन सी सेल्स हैं वो कौन कौन से कलर में दिखती है, ये याद होना बिल्कुल ज़रूरी है। यदि आपने ये छोटी सी ट्रिक याद कर ली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सेल्स जो होती है कौन कौन से कलर में दिखती है, तो इंटरव्यू में या फिर प्रैक्टिकल में आपके बहुत काम में आएगी, ठीक है। सबसे पहले स्लाइड पर एक्स्ट्रा ग्रेनुलर्स सुनने हो, ये जो एक्स्ट्रा ग्रेनुलर्स कैसे आ जाते हैं, यदि आप स्टेन काम में ले रहे हो, यानी कि लीसमान स्टेन काम में ले रहे हो, यदि इसको आपने छाना नहीं है या फिर इसको शेक नहीं कराया काम में लेने से पहले, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रेनुलर्स आ जाएंगे और आपको स्लाइड को बर्बाद कर देंगे, या स्लाइड आप स्टेन कर रहे हो और कोई धूल के कारण या फिर डस्ट उसमें आ जाती है तो भी आप स्लाइड को बर्बाद कर दोगे, स्लाइड अच्छी नहीं होगी और उसमें ग्रेनुलर्स आ जाएंगे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले RBC कैसे कलर की दिखती, ये एक ट्रिक है, कलर ट्रिक बोलते हैं इसको, इसको आपको याद होना जरूरी है, यह इंटरव्यू में और प्रैक्टिकल में पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स कैसी दिखती है, ऑरेंज पिंक कलर की दिखती है आपको RBC, ठीक है, कैसी दिखती है वो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है। RBC दिखती है ऑरेंज पिंक कलर की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनस्टेन फिल्म में यानी कि स्टेन नहीं करते हैं स्लाइड को, तो RBC कैसी दिखती है, कलरलेस। एक बात और दोस्तों, यदि स्लाइड को स्टेन नहीं करते हैं हम और तब अब उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कलरलेस दिखेगा सब, ठीक है। उसके बाद WBC सेल्स जो होती है वो कैसी दिखती है, यानी कि WBC सेल्स का जो साइटोप्लाज्मा है ना, साइटोप्लाज्मा को पता हुआ क्या होता है, साइटोप्लाज्मा दिखता है लाइट ब्लू कलर का, ठीक है। उसके बाद ईसनोफिल जानते हो क्या होती है, ईसनोफिल दिखती है दोस्तों, यानी कि ईसनोफिल के जो ग्रेनुलर्स होते हैं ना वो दिखते हैं हमारे डार्क पिंक कलर के, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल, जो आपने पता होगा बेसोफिल क्या होते हैं, बेसोफिल दिखते हैं हमारे को, बेसोफिल के जो ग्रेनुलर्स होते हैं वो दिखते हैं ब्लू पर्पल कलर के, ठीक है। तो ये कुछ कलर कोडिंग है, ये 2-3 सेल्स की कलर कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में लिखते हो आप तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, और दोस्तों इंटरव्यू में और प्रैक्टिकल के दौरान भी पूछी जाती है। तो स्टेनिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ, 3 पार्टों में मैंने आपको स्टेनिंग प्रोसेस बताया। आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। उसके बाद जैसे आपके सामने इमेज दिख रही है, ये है स्टेन होने के बाद स्लाइड, ठीक। तो दोस्तों हमारा
प्रिपरेशन एंड स्टैंडिंग ऑफ पीबीएफ का पहला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका था, आज हमने दूसरा पार्ट पढ़ा, स्टैंडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी पिक पोस्ट करता रहता हूं और साथ में स्टैंडिंग के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, यानी कि जो मेरी वीडियो आएगी वीडियो से पहले मैं दो तीन पिक जो है वो पोस्ट करते रहता हूँ, दो तीन इमेज या डायग्राम पोस्ट करते रहता हूँ ताकि आपको बहुत अधिक नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो बेल आइकन का निशान भी दबा देना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।